साहिब जियो तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुनी निदाना तुमरी महिमा बरन न सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना तुमरी महिमा बरन न सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना परम सन्मानियो चवर शतर तख दे मालक जुग हो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दे पावन पवित्र निगी गोदंदर सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुरां ने अपार कृपा कीती है इन्हां पावन दीवाना दे अंदर जुड़ के सतगुर की पावन गोद विच बैठ के अमृतमय बाणी दा आनंद आप जी बड़े प्यार और बड़ी एकाग्रता दे नाल मान रहे सो सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदरों साध संगत जिन्हां पावन बचना नूं अज आपां विचारना है आप संगत दी आसीस दे सदका अज सोहले साहब जी दी अमृत पावन बाणी दी विचार आपां रल मिल के आरंभ करन जा रहे हां और इस पावन बाणी दे अंदर दातार पिता जी ने जो सानू अमृत उपदेश बख्शे है या मैं ये शब्द वरत लवां भी जो समुची मनुखता नू सतगुरां ने अमृत उपदेश वरत दिता है उस अमृत उपदेश नू असी अपने जीवन विच समझण दा यतन करना है क्योंकि कमाई दे लई समझना बड़ा जरूरी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी अमृत बाणी दे पावन बचन ने के संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए गुरु दी कृपा नाल सतगुरां दे अमृत बचना दी कमाई करो तां तुसी इस संसार इस जगत इस पवजल तो पार होवोगे। आओ इन्हां पावन बचना नूं विचारण तो पहला आप जितने तन गुरु दी हजूरी विच जुड़ बैठे हो करो कृपा सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। देव आसीस जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन 12 अंग पन्ने ते ए अमृत बाणी आरंभ हुंदी है। इस अमृत बाणी दा सिरलेख सतगुरां ने जो बख्शिश कीता है सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। सोहेला बाणी दा सिरलेख है ते प्यार वजों सत्कार वजों इस अमृत बाणी नूं असी सोहेला साहिब जी दी पावन बाणी कहने हां। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंदर सब तो पहली बाणी धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीती है उस पावन बाणी दा सिरलेख जप है पर उस पावन बाणी नूं पंथ
सत्कार वजो जप जी साहब जी की पावन बाणी कह के सत्कार दे। इस तरह रामकली महला तीजा आनंद, पर उस अमृत बाणी नूं असी आनंद साहब जी की पावन बाणी कहिंदे आ। इस तरह गौड़ी सुखमणी महला पंजवां, पर उस अमृत बाणी नूं असी सुखमणी साहब जी पावन बाणी कहिंदे आ। सो कदी इन्हां चीज़ां दे भरम विच नहीं पैणा, क्योंकि ये पंथ प्रवानित चीज़ां ने। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਰਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 533 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 533 ਵਾਰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੀਤ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਕਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ ਜਿਹ ਮੁੱਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ, ਬਰੜਾਏ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਬੜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜਬੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਘੜ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,
क्योंकि सुपने दे विच चेते ओ करेगा जिन्हें सारा दिन परमात्मा नू अपने चिंतन विच रखे। जो चिंतन विच है, चेते विच है, रात नू सुतिया पिया अचेत मन विचो ओ ही कुछ प्रगट होएगा। जे सच विच सारा दिन रब नहीं ते रात नू सुपने विचो किवें आएगा। इसे करके गुरु ने कृपा की, अमृत वेले नित नेम नाल जोड़िया, सवेरे उठ तेरे मन दे कोरे कागज ते परमात्मा दी अमृत बाणी दे अमृत बचना नू लिख ले, तां कि सारा दिन तेरे जीवन दा आधार बनन। रात होवे, शाम ढले, सूरज ढले ते फिर साहिबां दी पावन बाणी सो दर रह, राज साहिब जी दी पावन बाणी पढ़, ते जदों रात सौन लगे सारे फुरनिया नू मार के हुण मालक दे अमृत बचना नू फिर रात नू सौन लगियां चेते कर। कोई पता नहीं रात नू सुतियां पियां सवेरे तेरी जाग होनी है नहीं होनी, पर एक गल चेते रखी, जे सौन लगियां उस करते नू चेते करके सोएगा ते रात नू सुतियां पियां भी तेरी गंढ उस परमात्मा अकाल पुरख दे चरणां नाल बनी रहेगी। क्योंकि नींद सच विच एक छोटी मौत है ते मौत एक बहुत वड्डी नींद है। इस छोटी नींद दा पता कोई नहीं वड्डी नींद विच किदों तब्दील हो जाए। गुरमुखो, श्वासां दा कोई भरोसा थोड़ा है? इस करके मेरे सतगुरु कहिंदे ने, एक ते इह रात नूं बाणी पढ़ेगा तेरे अंदर दे फुरने गंदे मरणगे, दूजा तेरी प्रीत तेरे मालक दे चरणा नाल रात नू सुतियां पियां भी बनी रहेगी। सोहिले दा भाव है गीत। असल विच सोहिला शब्द जेड़ा है इह सतगुर ने पावन बाणी दे अंदर होर थावां ते भी वरत्या है। इत्थे सोहिला दा भाव है गीत, खुशी दे गीत। असल विच इह जेड़ी रस्म है ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਹੀਏ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੀਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਭ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਗੀਤ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਸੋਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ।
इस संसार विच तू अपनी मौत दा समा नियत करा के आए, पर वेख उस मालक दे घर विच तू जाना है, पर जान तो पहला तेरी इन्नी कु तैयारी होवे कि उस मालक अकाल पुरख दे घर दे विच ओ करता परमात्मा अकाल पुरख पुत्र रूपी पति जड़ा तेनू अपनी गलवकड़ी विच लै ले। ध्यान दिया जे इन्हां शब्दां नू समझना कि ओ जड़ा परमात्मा करता है ओ तेरे गुणा नू वेख के तेनू अपनी गलवकड़ी विच लै ले। भाई साहब भाई गुरदास जी दा एक बड़ा प्यारा बचन है उन्हां दे सवैयां विच, ओ कहिंदे ने नहर कुआर कन्या लाडली कै मानियत, ब्याहे ससुराल जाए गुणन कै मानिए। बच्ची पेके घर विच है, ओ मापियां दे घर विच रह के मापियां दे चरणां दे विच जो भी कर्म करे ओ मापे उस बच्ची दे नाल लाड करदे ने। लाड विचो कुछ जीवन दे कर्म सिखे ना सिखे पर मापे यत्न करदे ने उन्हूं लाड विच रखदे ने, पर नाल उन्हूं गुण भी सिखांदे ने। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने मापियां दे घर विच जिन्ने मर्जी लाड लड़ा लै, सच विच मापे तां भी तेनूं कुछ नहीं कहणगे, पर जिदन सोहरियां दे घर जाएंगी ना, हे मेरी ये धीए एक गल चेते रखी, उथे लाड नहीं उथे गुणा करके तेनू जानिया जाने, उथे तेरी कदर गुणा करके है, उथे तेरी कदर जिहड़ी है वह लाड करके नहीं होएगी। हां जे तेरे कोल गुण होणगे फिर सारा परिवार तेनू लाड भी करेगा प्यार भी करेगा, ते जे तेरे पल्ले गुण नहीं ते एक गल चेते रखी ब्याहे ससुराल जाए गुणन कै मानिए। आओ थोड़ा जे शब्द दे उन अर्थां वल आईए। मेरे सतगुरु ने इस पावन शब्द दे अंदर जो पहला शब्द है इंदे अंदर धन गुरु नानक साहब जी ने की बख्शिश की है। साहब जी दे पावन रहाउ दे बंद ने तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, तुम गावो तुसी गावो मेरे निरभउ का सोहिला। निरभउ दा मतलब है जिन्हों कोई भय नहीं, ते सोहिले दा पावे ओ गीत। असल विच ए संबोधन सतगुरां ने जिंद नूं कीता, हे मेरी ए जिंदे, ते सतसंगी रूप विच सतगुर ने संबोधन करके कहा हे मेरी सतसंगी सखियो, वेखो जे तुसी मैनू असीसां देण आईआं हो ते इक काम करो, तुसी मेरे उस निरपो अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दी वड्याई करो, ओ जिन्नू कोई भय नहीं जिहड़ा निरपो है जिहड़ा किसे दे भय विच नहीं जींदा। एक गल चेते रखिए साध संगत, दुनिया दे अंदर बड़े कर्म ऐसे ने जिहड़ा बंदा भय दे अधीन भी करदा है। मैं छोटी जिही इक एग्जाम्पल आप जी दे चरणां विच रख दिया। मन लो सी संसार विच किसे कार्ज कर कर किसे काम नू कराण दे लई किसे सरकारी दफ्तर विच गए हां। इस गल नू समझण दा यतन करना, तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, ते उस दफ्तर दे विच ओ जिहड़ा बंदा काम करन दे लई बैठा है ओ साडा काम कर नहीं रहा, ते जदों सी वेखिया भी इस बंदे ने साडा काम करन दे लई ए तैयार नहीं राजी नहीं, फिर असी किसे बंदे दी उथे लिया के सिफारिश पाई। उन्हूं आख्या तू जानदा नहीं मैं कौन आ, मैं जिस दफ्तर दे अंदर तू काम करना है जिहड़ा तेरा सब तो उपर है, सच विच मैं उनका बड़ा नेड़े दा रिश्तेदार, तुसी कुछ भी कह लो, उस बंदे नूं इन्नी कहण दी जरूरत हुंदी है। उन्हूं बंदा फिर बड़े रोब विच आके कहिंदा है भी मैं तेरी गल करावां, फोन मिला के उनकी एक गल करा दे बस, या सिर्फ इन्ना ही कह दे भी मैं फलाने बंदे नूं जानदा, सच विच उस बंदे दे तेवर बदल जांदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ।
कोई ये नहीं कह सकता मेरे को संसार अंदर इन्ना रुतबा इन्नी वडियाई इन्नी माया इन्ने मेरे लोग चरणा विच जुड़न वाले कोई संसार की दलील उस परमात्मा के चरणा विच नहीं चलती। उत्थे जे चलदा ते इक्को ही चीज चलती है वह है उनका कीता होया सिमरन। उनके नाम नाल कोई जुड़िया होवे ते कहना भी नहीं पैंदा वह कृपा आप करके उनके कर्म नूं संपूर्ण करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिहड़े बचन के पातशाह कहिंदे ने तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, तुसी मेरे निरभउ करदे मालक दे गीत गावो गुण गावो, जित सोहिलै होम वारी जित सोहिलै सदा सुख होए। मैं कुरबान जाना, होम वारी दे अखरी अर्थ ने कुरबान जाना। जित सोहिलै जिस दे गीत गाया, जिंदी वडियाई कीतियां सदा सुख होए, जीवन दे अंदर सदा आत्मक सुख बनिया रहिंदा। इत्थे सुख दे खके नूं अंकड़ एक वचन शब्द दे मैं ध्यान नाल मैं बेनती करदा जावां। बाणी विच सुख शब्द भी दो भावां विच, एक दुनियावी सुख की गल है जिथे सुख का खखा मुक्ता होएगा, एक आत्मक सुख की गल है जिन्हों बाणी विच कहे आनंद, जिन्हों गुरु अमरदास कहिंदे ने आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाणिया, जिन्हों साहब कहिंदे ने आनंद सुनो वडभागीओ सगल मनोरथ पूरे। एक आनंद दूजा सुख, दुनियावी सुख सदीवी नहीं, दुनियावी सुख मिल भी जान बंदा तां भी कई बार चिंतावां ते फिकरां विच हुंदा है। पातशाह जी ने बाणी विच शब्द किया, पातशाह कहिंदे ने जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, बहुते घर दे विच पर नाल उस बहुते दे चिंता भी चलदी पई, सुख ते बड़े ने पर अंदर चिंता भी चल रही है भी इन्ने सुख हुण इन्ने सुख इन्नी माया इन्ने पदार्थ इन्हां नूं सांभा किवें। ते गुरदेव पिता जी कहिंदे ने जिन्हों आत्मक सुख आत्मक आनंद मिल जाए, दातार पिता कहिंदे ने इह अवस्था असल विच आत्मक अवस्था है। गुरु अर्जुन दे गुरु अमरदास पातशाह जी ने ताही बाणी विच कहा मैं गुरु कोलो जाणिया भी असल विच आनंद की है। पदार्थां दा मिलना वस्तुआं दा मिलना जीवन विच किसी सुख दा जाना आनंद नहीं, आनंद ओ मेंटली अवस्था है आत्मक अवस्था है जिंदे विच टिकिया बंदा दुख ते सुख नूं इक बराबर करके जानदा है, खुशी ते गमी नूं इक बराबर करके जानदा है, हर सोग नूं इक बराबर करके जानदा है, आसा मनसावां तो मुक्त होके करते दे चरणां विच जुड़ जांदा है। तां ही सतगुरु जी ने ते शब्द वरत्या हों वारी मैं कुरबान जाना जित सोहिलै जिस करते दे गीत गाया वड्याई कीतिया सदा सुख होए, सदा आत्मक आनंद मिलदा सदा आत्मक सुख मिलदा। पातशाह जी फिर पहले बंद विच कहिंदे ने जय कर कीरत आखीऐ, जय दा मतलब है जिस, घर दा मतलब इत्थे है घर दे रारे नूं सिहारीए, इन्हां मतलब है जिस घर दे अंदर सतसंगत रूपी घर दे अंदर जिथे सच्चे दे गीत गाए जांदे ने, ध्यान देना जिथे तुसी बैठे हो इत्थे करते दी वडियाई है, करते दे गुण गाए जा रहे ने, करते दी सिफत हो रही है। सतगुर इस घर की गल करते ने भी जय घर कीरत, कीरत दा पावे वडियाई कीर्ति गुण, जिस सतसंगत रूपी घर दे अंदर परमात्मा की वडियाई आखी है आखी जाती है, करते का होए विचारो ते उस करते मालक अकाल पुरख दे गुणा दी विचार हुंदी है, सिर्फ उनकी कीर्ति आखी नहीं जाती उनके गुणा नूं समझिया भी जाता है। वेखो यही कारण है गुरु घर का नेम है, इत्थे गुरु घर के अंदर सब तो पहला पाठ है, फिर गुरबाणी का कीर्तन है गुरबाणी नूं गायन करना ते उस तो बाद फिर अखीर विच गुरबाणी नूं समझना, ये एक मर्यादा है गुरु घर की। ताई सतगुरु कहिंदे ने उस घर के अंदर जय कर कीरत आखी है करते का होए विचारो, जिस सतसंगत रूपी घर के अंदर परमात्मा की कीर्ति आखी जाती रब के गुण गाए जाते ते विचारे जाते ने, तित घर गावो सोहिला हे भाई, उस घर के अंदर टिक के उस करते मालक अकाल पुरख के गुण गावो उनकी सिफत करो सिवरियो
सिरजनहार इत्थे शब्द शिवरे होए। एक बाणी विच शब्द होर आएगा उत्थे सिमरोए। इत्थे शब्द शिवरे हो सिरजनहार हो हे सतसंगत रूपी मेरी ओ सखियो सहेलियो हे मेरी जिंदे उस परमात्मा अकाल पुरख नूं सिमरो उन्दा सिमरन करो उन्हूं याद करो उन्हूं चेते करो उन्दे गुण गावो उस घर दे अंदर टेक के जिथे रब की कीर्ति हुंदी रब दे गुण गाए जांदे ने भाव सतसंगत दे अंदर मिल के मालक की वडियाई करो। फिर पातशाह जी दूजे बंद विच शब्द बख्शिश करदे ने साहिब कहिंदे ने नित नित जीअड़े संभालियन नितां प्रति रोज रोज नित नित दा मतलब है रोज हर दिन हर घड़ी हर पल दो वार शब्द आया नित नित इन्हां मतलब है सतगुरु जी बड़ा जोर दे के कह रहे ने भलिया ये किसी एक समय एक वक्त एक दिन की गल नहीं ये जेड़ा प्रोसैस है ये जेड़ा कर्म है तेनू रोज रोज करना पेगा। मैं सिर्फ अखरी जे अर्थ कर रहा बहुत ही डिटेल विच नहीं जा रहा क्योंकि आप इनू सिर्फ कथा विज्ञान के रूप में नहीं समझना सिर्फ समझना सतगुरु की बाणी नू थोड़े समय के अंदर क्योंकि रोज पढ़ी जाने वाली बाणी है और सानू थोड़ा जा समझ जरूर होनी चाहिए भी सतगुरु की बख्शिश कर रहे हैं। पातशाह जी कहते ने नित नित जीअड़े इत्थे शब्द है जीअड़े जीअड़े का पावे जिंदे नितां प्रति रोज रोज जीअड़े संभालियन हे मेरी जिंदे संभाल संभालियन का मतलब होंदे संभालना संभालन का मतलब होंदे उन्हूं चेते करना ध्यान देना संभाल लई बड़ी एकाग्रता की जरूरत होंदी। एक गल चेते रखियो तुसी जिस चीज़ नूं संभालना उहदे लई एकाग्रता चाहीदी है एकाग्रता तो बिना चीज नहीं संभाली जाती। सतगुर कहिंदे ने जिंदे गुण गा रहे हो उन्दे गुण गाण दे विच बड़ी एकाग्रता चाहीदी है क्योंकि उन्दे गुण तां ही गाए जा सकते ने जे तुहाडे कोल एकाग्रता होएगी जे ध्यान नहीं ते उन्दे ज्ञान नूं तुसी चेते कर ही नहीं सकते। तां ही बाबा गुरु अर्जन साहिब कहिंदे ने ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सतगुर मेरे कोल ज्ञान भी नहीं ध्यान भी नहीं तेरी बख्शिश भी नहीं मैं किधर जावां। हुण साहिब जी कहिंदे ने किरपा कर मेरे मालक नित नित जीड़े संभालियन देखे गा देवनहार ओ जिहड़ा देनहार परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरखे इत्थे शब्द आया देखे गा पाप तेनू वेखेगा तेरी संभाल करेगा इत्थे देखण दा मतलब वेखना नहीं। सतगुर कहिंदे ने तू उहनू चेते कर वेख ओहदा बिर दे ओहनू जिहड़ा चेते करदा ओहदी संभाल ओ आप करदा ओह ते समुची खलकत दी ओह देखेगा देवनहार और उत्थे सतगुरु ने किसी बंदे मनुख दा जीव दा जिक्र नहीं किया इस समुची खलकत जिन्नी है इन्दे अंदर हर जीव नू देखण वाला करता परमात्मा है उन्दे तो बिना कोई नहीं। सच विच बंदे दी पाया कुछ दे के भी कहिंदा मैं इन्हां नू दिता पर सतगुरु कहिंदे ने सच है बंदा दे के भी जतांदा है वह करता इन्हां नू दे रहा पर कदी दे के भी नहीं जतांदा पर उन्दी बख्शिश एक होर है सतगुरु कहिंदे ने देंदा भी है जतांदा भी नहीं ते दूजी गल जिहड़े उन्हूं नहीं भी चेता करदे जिहड़े कहिंदे ने रब की रब है ही नहीं तुसीं एवें रब नूं चेते करदे हो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहिंदे ने मेरा मालक किन्ना बख्शिंदे जिहड़ा उन्हां जिहड़े सारी जिंदगी रब नूं निंददे ने रब उन्हां नूं भी दातां देंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन तुसीं पढ़दे हो साहब कहते ने दारद दुखन देखत है पर देत ना हारे वो वेखद है पर देंद्या कदी हारदा नहीं ये उनका बिरद है। ताई सतगुरु जी कहते पे ने पातशाह कहते ने देख नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तेरे परमात्मा रब जी दाने शब्द दा पावे दान ध्यान देना इन्हां शब्दां नूं नाल नाल समझदे जाना भी इन्हां शब्दां दा भाव की है। सतगुर कहिंदे ने तेरे दाने दाने दा पाव मतलब है दान पाव दात जिहड़ी तेरी दित्ती दात ते सतगुर जी उहदा कोई मुल नहीं बंदा आखे भी मैं मुल दे के चुका लवांगा जिवें इनसान दुनिया दे अंदर यह कहिंदा भी मेरे मापिआं ने इन्ना मेरा मेरी इन्ने साल परवरिश कीती इन्ना खर्चा कीता वह कहिंदा मैं अपने मापिआं दा मुल इन्नी माया दे के दे देना
ध्यान देना एक गल होर, एक शब्द होर साडे समाज विच बड़ा प्रचलित है, जदों बच्चियां दा व्याह हुंदा है वेखो दहेज मंगण दी डौरी दी बड़ी वड्डी समस्या है साडे समाज दी। गुरु रामदास पातशाह जी ने कहा सी, मेरे मालक धन गुरु अमरदास जी कृपा करो, जे मैनू कुछ देना है ते अपने चरणा दे विचों नाम दी दात दिओ। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान मैं दाजो, हर शोभा हर कपड़ो देवो जित सबरै मेरा काजो। हे मेरे मालक मैनू नाम दा कपड़ा दे, नाम दी वडियाई दे, तां कि मेरा मालक दे घर विच मूँह सुरखुरू हो जाए। साडे समाज विच इह चीज बड़ी प्रचलित है, मापे बच्चियां दे एजुकेशन ते खर्च करदे ने, जिदन व्याह हुंदे ने कहिंदे ने असीं बच्चे दा व्याह तां करांगे जे इन्ना दिओगे, गड्डी दिओगे, पदार्थ दिओगे, माया दिओगे। ये साडे समाज दे उपर कलंक एक बड़ा वड्डा। पर सच यह भी जिहड़े मापे अपनी धी नूं व्याह रहे ने कि उन्हां अपनी बच्ची दे पढ़ाई ते एजुकेशन ते उहदे पालन पोषण ते खर्च नहीं कीता, असीं कित्थे समाज विच खड़े होए आ? ये बहुत वड्डी समस्या है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन किते सानूं इन्हां गल्लां दी सोझी आवे, क्योंकि असीं बाणी पढ़ी कोई नहीं, इस करके सानूं गुरु दे चरणां विचों मंगण दी जांच भी नहीं आई। समझ आए होंदे गुरु रामदास जी दे बचन ते असीं क्यों मंगदे संसार विच, क्यों साडे समाज विच ये गल्लां प्रचलित हुंदियां? पर गुरु अमरदास गुरु नानक साहिब जी कहिंदे ने, तेरा दाने कीमत ना पवे सतगुरु, तेरियां दातां दा कोई मुल नहीं दे सकदा, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन विचारो, उस दाते परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दे गुणां दी। सतगुरु कहिंदे ने की विचार करिए, बादशाह कहिंदे ने तेरे दाता जी इन्हां गुणां दा कोई शुमार ही नहीं, तू जिन्ना कुछ दे रहा सतगुरु जी उहनूं असीं तोल ही नहीं सकते। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते, उस दाते दियां दातां दा कवन शुमार, सतगुरु कहिंदे ने की शुमार है, की अंदाजा लाया जा सकदा, की कोई अंत हुंदा पा सकदा है। गुरु अमर गुरु नानक साहिब कहिंदे ने उहदा कोई अंत नहीं, उहदियां दातां बेशुमार ने। सात संगत मनुख खांदा खांदा अक जांदा है, पर उहदियां दातां नहीं कदे मुकदियां। तां ही साहिब ने कहा, खांदिया खांदिया मूँह कट्ठा पहनंदिया सब अंग, त्रिग तिन्हां का जीविया जिन सच ना लगो रंग। सतगुरु कहिंदे ने तू चेते कर, ओ तेडा वड्डा दाता है। पातशाह कहिंदे ने जगत भिखारी फिरत है, सब को दाता राम, ओ ते सारी खलकत नूं दाता देंदा है, देन वाला है। इसे करके ते सतगुरु ने शब्द वरते, तेरे दाने दाते कमन शुमार, सतगुरु तिस दाते कमन शुमार, तेरिया दाता दा की शुमार, की अंत। फिर पातशाह जी तीजे बंद विच कहिंदे ने, संबत शाह लिखिया, हे मेरे मालक इस संसार दे अंदर जिहड़ा भी जीव आया है, संबत दा भाव है साल वरा समा, शाह दा भाव हुंदा है जान दा दिन, लिखिया दा भाव है लिखिया होया। सब कहिंदे ने, हे बंदिया जिवें बच्ची दे व्याह तो पहला साहे दी चिट्ठी लिखी जांदी है, ते जदों साहे दी लिखी चिट्ठी लिखी गई ओ सहुरे घर विच पहुंच गई, उस चिट्ठी दे पहुंचण तो बाद फिर भावें घर विच कोई भी समा आण बए, मिथे होए समय दे उपर व्याह कीता जांदा है। कई वारी साध संगत ऐसा समा बनदा है कि बच्ची दे व्याह तो कुछ दिन पहला या बच्चे दे व्याह तो कुछ दिन पहला परिवार ते कोई मुसीबत कोई भीड़ आण पैंदी है, पर सच है जिदन समा मिथिया गया जिहड़ा उस समय दे अनुसार उस दुख दे अंदर भी परिवार उस कार्ज नूं संपूर्ण करदा है, क्योंकि मन्या जांदा भी समा मिथ लिया गया है, साहा लिखिया गया, हुण इहनूं टालिया नहीं जा सकता। गुरु अमर नानक पातशाह कहिंदे ने, बंदिया गल चेते रख, जिस दिन तू धरती ते आया सै तेरा साहा उसे दिन लिखिया गया सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर एक बचन है बाबा फरीद साहिब दा, बाबा फरीद जी कहिंदे ने, जित दिहाड़ै धन वरी साहे लए लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मूँह देखा ले आए। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੇਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਬਤ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ,
देहो सज्जन आशीषणियां ज्यो होवे साहिब सो मेल मैनू आशीषा दिओ कि उस करते मालक परमात्मा दे नाल मेरा मिलाप हो जाए। जिवें व्याह वेले सोहिला गाया जांदा है तेरा पति दे नाल मिलाप होवे तू सुखी वसे घर जाके। सतगुर कहिंदे ने सतसंगी जीव स्त्रीओ मेरे लिए अरदास करो आशीषा दिओ मैनू कि उस करते परमात्मा दे चरणा नाल मेरा मेल हो जाए। मैं जिस कार्ज लई संसार ते आया भई प्राप्त मानुक देव हरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया एह कार्ज पूर्ण हो जाए एह कार्ज अधूरा ना रहे। हे सतसंगी जीव स्त्रीओ तुसी मेरे लिए अरदास करो। सतसंगत विच परमात्मा वसदा है इसे करके सतगुरु सतसंगी जीव स्त्रियों संबोधन करते ने ते अंत विच जाके बाबा नानक जी फिर बख्शिश करते ने कहिंदे देहो सज्जन आशीषणियां ज्यो होवे साहिब सो मेल घर घर एहो पहुंचा। पातशाह कहिंदे ने इह सिर्फ मेरी गल या तुहाडी गल नहीं सब कहिंदे ने इह पहुंचा घर घर विच इह सदड़ा हर घर विच जांदा है। इह साहिब दी चिट्ठी हर घर दे विच हर बंदे दे लई लिखी गई है घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। ते सतगुर कहिंदे ने इक समें नहीं नितां परिस प्रति सदड़े पै रहे ने इह कदी किसे घर कदी किसे घर कदी किसे घर इह नितां प्रति चल रहा है। देखो ऐसा तो नहीं सिर्फ संसार विच जन्म है जन्म दे नाल नाल संसार विच मौत भी है। सतगुर पातशाह कहिंदे ने इह हर घर दे विच घर घर एहो पहुंचा पहुंचा दा भाव सदड़ा सदड़े नित पवन इह सदे नितां प्रति संसार विच पै रहे ने। सदनहारा सिमरिए कम कर ओ जिहड़ा सदनहार मालक की ओनू चेते कर। सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन हे नानक जी उस परमात्मा अकाल पुरख नू चेते कर। से दे आवन आवन दा अखरी अर्थ है ओ परमात्मा अकाल पुरख दे दर तो आउंदे ने सदड़े पैरे ने पर पातशाह कहिंदे ने सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन वेख ओ दिन आ रहा है। पातशाह कहिंदे ने सदड़े नित पैरे ने पर सदनहारे नू चेते कर। जे सदनहारा परमात्मा करता रब तेनू चेते रहेगा एक गल चेते रखी तेरा जीवन भी सौखा हो जाएगा ते तेरी मौत भी सौखी हो जाएगी। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहिब मनो ना विसरे ता सहला मरना होए। ता ही सतगुरु ने बाणी विच कहा कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो ता हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन दे दा मतलब है दिन आवन दा मतलब है आ रहे है सब केंद्र ने ओ दिन आ रहे है। देख ता ही बाबा कबीर साहब जी केंद्र ने देख संसार दे अंदर निगाह मार के बाबा रविदास जी दा शब्द है केंद्र ने संग चलत है हम भी जलना दूर गवन सिर ऊपर मरना। उस तेरे संगी जा रहे ने तू भी जाना है। गुरु नानक साहब कहिंदे ने नानक से दे अवन उस सदनहारे नू चेते रख हुंदे गुण गा। तां ही साहब कहिंदे ने जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित कर गावो सोहिला सिमरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निरभो का सोहिला। तुमसी मेरे निरभो दे परमात्मा दे रब दे गीत गाओ सतसंगत दे विच जुड़ के रब की वडियाई करो। गुरु नानक साहब कहिंदे ने सदनहारे दाते नू सिमर ये पहला शब्द है सात संगत। गुरु कृपा कर इस पावन शब्द के अंदर का सिद्धांत सानू सबना नू समझ विच आए। बेनती होर सात संगत आप विचारा सुन दो प्रयत्न करो इस चैनल नू सबसक्राइब करो ताकि आप जी दे तो बाद आप जी दे नाल जुड़े हुए होर लोग भी इस पावन अमृत विचार तो लाभ लैके अपने जीवन नू सफला कर सकन उन्हां गलतियां बख्श लैनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।